નમસ્કાર, હું છું સારિકા બુટાણી. આદર સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેસે હો આપ સબ? આજ હમે પઢેંગે કક્ષા 8 વિષય હિન્દી. હિન્દી વિષય મેં હમ પઢેંગે પહેલી કવિતા તેરી હે ઝમી. ચલો મેં ઉસકા આપકો ફોટો દિખાતી હું. યે હે ઉસકા ફોટો. યે સબ પિક્ચર આપકી કિતાબ મેં દિયા ગયા હે. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गाएंगे वो कविता. क्या आप मेरे साथ गाना चाहोगे? तो चलो. तेरी है जमी तेरा सिवा, तू बड़ा महरबा, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा. तो चलो, इस काव्य में से हमें क्या सीखना है पहले मैं बोलकर समझाती हूँ. प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है. ये कविता है लेकिन प्रार्थना भी है, प्रार्थना गीत भी है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया गया है. साथ ही ईश्वर के सर्वोपरि होने की स्वीकृति दी गई है. कैसे? कृतज्ञता ગુજરાતીમાં લાગણી, આપણે ઈશ્વર સાથે લાગણીથી બંધાયેલા છીએ. યે વાત કી ગઈ હૈ ઓર વો સબસે બડી તાકત વાલા હૈ. દુનિયા કા સ્કૂલ કા રાજા હમ કહેતે હૈ, દુનિયા કા રાજા, ક્લાસ કા રાજા, એસે પૂરી દુનિયા કા ચલને વાલા ઈશ્વર હૈ. તું ચાહે વૈસા કર સકતા હૈ. તો એક એક્ઝામ્પલ તો હૈ હી હમારે પાસ કોરોના મેં. કોરોના કૈસા હૈ, दिखता कैसा है, कैसे हमें छू लेता है, कैसे हमारे श्वास के अंदर चला जाता है, हमें कुछ पता नहीं रहता है. फिर भी हम उससे डरते हैं, घर में बैठ गए हैं. यानी कि अदृश्य ताकत ईश्वर की ताकत है, ईश्वर की ताकत है. तो चलो हम पढ़ते हैं. तेरी है जमीन, यानी कि हे ईश्वर यह जमीन तेरी है, आसमान भी तेरा है. देखो बच्चों, आसमान का समानार्थी आकाश, जमीन का समानार्थी धरती. हे ईश्वर तेरी, यानी कि कौन है, हम किसी से बात कर रहे तो वो तेरा, तेरा कौन है, यहाँ पर हम ईश्वर के साथ बात कर रहे हैं. हे ईश्वर
ये जमीन भी तेरी है, यानी कि ये धरती भी तेरी है, ये आकाश भी तेरा है। तू बड़ा मेहरबान, तू यानी कि ईश्वर, हे ईश्वर तू बड़ा मेहरबान यानी कि दयालु कृपालु, तू बड़ा दयालु है, तू बख्शिश कर, तू हमें बख्शिश कर, भेंट दे। किसकी? तो यहाँ पर दूसरा नहीं, क्षमा करना, हम गलतियाँ करते हैं उसकी क्षमा कर, तेरा ही जमीन है, तेरा ही आकाश है, तू बड़ा दयालु है, तो हमें क्षमा करना, यदि हमसे कोई गलती कुछ है तो हमें क्षमा कर देना। सभी का है तू, हम सभी का तू एक ही है, हम सभी भी तेरे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, खुदा यानी कि भगवान प्रभु, खुदा का समान अर्थ होता है भगवान प्रभु। हे भगवान, हे ईश्वर, तू हम पर क्षमा करने का ख्याल रखना, क्योंकि हम मानव होकर कितनी सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि पेड़ काटना नहीं चाहिए हम पेड़ काटते हैं, यदि हम चलते हैं तो छोटी सी चींटी होती है हमारे पैर के नीचे दब जाती है, तो हमारी गलती है, ऐसी छोटी छोटी गलती के लिए हे ईश्वर तो हमें क्षमा करना। इसके आगे है, तेरी मर्जी से ये मालिक, मर्जी यानी कि हमारे हाँ ना, तेरी मर्जी थी ये प्रभु, तेरी मर्जी थी तब हम इस दुनिया में आए हैं। ये मालिक, प्रभु को यहाँ पर हमने मालिक भी कहा है, हे प्रभु तेरी मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत, रहमत का सवाल, रहमत यानी कि कृपा, मालिक यानी कि यहाँ पर ईश्वर लिया गया है, ईश्वर तेरी कृपा से हम इस दुनिया में आए हैं, हम चाहे तब हम नहीं इस दुनिया में आ सकते हैं, तूने हमें यहाँ पर आने के लिए भेजा है, ये जिस्म जा पाई है तेरी दया से, हमने जिस्म यानी कि हमारा शरीर, जा यानी कि प्राण, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में हमारा शरीर और प्राण हमने पाए हैं, तू अपनी नजर हम पर रखना, हे प्रभु तू अपनी नजर हम पर रखना, हमें कुशल मंगल रखना यानी कि क्षेम कुशल रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, जब हम बीमार हो जाए तो हमारी केयर करना, हमारा साथ देना, कोई भी हालत में, जब एग्जाम्पल के रूप में यानी कि उदाहरण देती हूँ, जब हम परीक्षा खंड में बैठते हैं, प्रभु हे प्रभु 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 मुझे नहीं आता है, थोड़ी सी मदद करते हैं, एग्जाम के पहले हम एग्जाम होती है ना, परीक्षा होती है ना, तब भगवान को दो हाथ जोड़ कर आते हैं, भगवान आज मुझे सब कुछ आ जाए, करते हैं या नहीं, तो वैसे ही हम पर आपकी नज़र रखना कि हम कर रहे हैं, हम मांग रहे हो मुझे दे दो, आप तो बड़े दयालु हैं। फिर से वही, तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, आपको पता है ईश्वर चाहे तो ही हम रह सकते हैं, और ईश्वर इच्छा हो तो हम मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते बच्चा गिर गया और मर गया, तो ईश्वर की इच्छा से ही हम जीते हैं, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, तेरे आगे झुका के सर आज हम खड़े हैं सारे, क्यों? अभी की सिचुएशन देखो, अभी की परिस्थिति को देखो, कोरोना में हम कुछ कर नहीं सकते, कोई बीमार हो गया है तो हम सबसे पहले मंदिर में प्रेयर करने बैठ जाते हैं, प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं कि अब तेरे हाथ में सब कुछ है, तू ही हमारी मदद कर, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, किसके पास सबसे बड़ी ताकत है? ईश्वर के पास, ईश्वर की कृपा से ही हम रह सकते हैं। संकट आफत उसके लिए अभी आएगा, तू चाहे तो हर आफत टाले, आफत यानी संकट और मुश्किली, तू यानी कि प्रभु, हे प्रभु तेरी अगर इच्छा है तो तू इस परिस्थिति को, इस मुश्किली को टाल सकता है, अभी यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसकी मुश्किली क्या है कि हे प्रभु तेरी इच्छा होना तो ये कोरोना जा सकता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद कोरोना नहीं है तो दूसरी मुश्किली, चाहे ज्यादा बारिश आ जाए तभी हम प्रभु को कहते हे प्रभु, हे ईश्वर इस परिस्थिति से निकाल, यदि अकाल यानी कि दुष्काल पड़ जाए तो हे प्रभु तू ही थोड़ी बारिश दे, एक बार हम प्रेयर करते हैं कि प्रभु बारिश दे, एक बार कहते हैं कि बारिश बंद कर, लेकिन उसकी मर्जी से पूरी दुनिया चलती है, तो इससे हमें यह सीखने के मिलता है कि हमें भगवान के साथ प्रार्थना से संबंध करके हम उससे सब कुछ मांग सकते हैं, उस
आसमान में से बारिश लाते हैं। तो समझ में आ गई ना पहली कविता तेरी है जमीन प्रार्थना की। हमारी साथे जोड़ावा बदल आभार।